से बोले हैं परिचित लाल, अरे जिस जगह जुआ की बाजी हो, जिस जगह जुआ खेल रहा हो वहां रहे, कि जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी गपोलियां चलती हो। जहां पर वेश्याएं निवास करती हो, मद की प्यालियां चल रही हो, और कहां रहे प्रभु? बस इतना ही बोला, नहीं नहीं, और सुनो, कहां तुम्हें रहना है? अरे तुम उस जगह जा करके रहना, भैया में सवेरे लाठी खींचे, तुम वहां जाके रहो जहां सास बहू में लड़ाई हो, तुम वहां जाके रहो जहां नंद भौजाई में सवेरे चुटमार होते हो। सुन रही हो माताओं? कलियों ने कहा कही कि प्रभु ऐसी ऐसी जगह बोला, हाँ
परिचित कहने लगे ऐसी जगह पे रहो तो सुन रही हो माता और जे बहुएं घूंघटवाई सब सुन ले सास चे कछु तुम ते कहे और तुमने नेकौ जो कुचर कुचर करी तो समझ ले तुम्हारी जिंदगी खराब क्योंकि मां कलियुग का पास सास होती धर्म की मां सास क्या होती है धर्म की मां और जे तुम्हें गाली दे तो तुम जे जानो करो कि अम्मा बूढ़ी हो गई इनकी अठन्नी कम हो गई जे तुम्हें गाली देवे तुम्हें जान लियो कि अम्मा की ठन्नी कम हो गई खूब जिन्हें बीमारी बढ़ गई बरकन देव अपन ते आप चुप हो जाए और बहनों तुमने कछु जो कह दई तो वहीं पे देखो परिचित ने कलियुग का वास बताया और नंद भौ जाई नंद ने जितनी बे सुनो भौ जाई तुम्हारी भैया के संग बंद के आई है तो कछु कहउ देते है तो चुपा रहो न बोलो उतने टाइम वैसे होय काजे नंद ने राम की रची भई होती परिचित जी नन्ने जितनी जे नाम की रची भाई जो कछु भैया भौजाई ने कह दई और भैया घर ते ड्यूटी पे ते आए नहीं पाए दुकान पे ते आए नहीं पाए अभी तान बोरी बिन्ने तान बोरी तान कई जौलो लठिया नहीं पर भाई दई तो चैन में नहीं ना तान चैन में नहीं ना तो जितनी नन्ने भी सुन लियो के भौजाई नंद होती है एक तरीका की बहन का जब तक नंद की शादी नहीं तब तक बहन का स्वभाव होना चाहिए हैं लेकिन आजकल सो ना है कौन सौ में एक ही याद है जिनकी बनते हाँ कलियुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कहने लगा प्रभु जी बता तुमने सब गंदी है गंदी जगह दे दी कोई अच्छी हो तो जगह दे दो जब हम रहे तो भगवान आचार्य श्री सूत कहते हैं कि परिचित लाल को एक जगह अच्छी देनी पड़ी वो जगह कौन सी है परिचित लाल ने अपने मुंह से कह दिया जाओ सबसे अच्छी सब गंदी गंदी जगह है एक जगह और हम दे रहे हैं कि तूने हमें अपने अवगुण तो तेरे अंदर है लेकिन तूने गुड़ और हमें कछु बताई वैसे परिचित जी तुम्हें बता दें कि कलियुग ने गुड़ कौन सी बताई कलियुग देखो एक बात और बता रहे कथा पांडाल में बैठे लोगों हर एक इंसान को आप देखो किसी को भी उसके अंदर निखर गंदा इंसान हो निखर अवगुण भरे हो उसके अंदर एक गुण जरूर होगा एक पति जी सही कह रहा हूं कि नहीं कैसा भी इंसान हो कितना भी गंदा गिरा हुआ हो लेकिन एक गुण उसके अंदर जरूर होगा और जो निखर गुड़ी जिसके अंदर गुड़ अच्छे से अच्छा होगा उसके अंदर एक अवगुण बहुत बुरा होगा अंदाजा लगा दो कलियुग ने कहा है प्रभु जे तो तुमने जान ही लिया कि हमारे अंदर अवगुण कितने लेकिन मेरे गुण हैं वो हम तुम्हें बताएं परिचित जी कहने लगे तेरे अंदर गुण बोला हाँ तो हमें गुण बता अपने तेरे अंदर गुण कौन से हैं तो देंगे ध्यान देखो कलियुग ने अपने कलियुग में ये गुण हैं अवगुण है अवगुणी लेकिन गुण भी है तो गुण कौन से बताए कलियुग ने परिचित जी को द्वापर में मन सोचा पाप कहाता था सतयुग त्रेता में मन में सोच लो कि हम तुम्हें मारेंगे तो पाप लग गया लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर में मन सोचा पाप लग जाता है कलयुग में बिना करे भैया कोई पापन सकते राम का वारा सतयुग त्रेता और द्वापर में नर्तक
से लाला आना घड़ी में कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में एक पति तुम चक्कर में पड़ गए हमें लगा कि राम राम हम दिन रात का आराम का जो तू ही ना। अब तुम लोग सोच तो रहे हो पवनेश जी कौन सी कथा है इसका सतयुग त्रेता द्वापर में करोड़ों वो यानी कि हजारों वर्ष आदमी तपस्या करता था तो भगवान मिलते थे लेकिन कलयुग में राम ही राम कहो काम तैयार। ये सत्य राम राम कहो कैसे ऐसे ना है कि राम नाम जपना और पराया माल ऐसे राम राम नहीं पर राम राम कहो कैसे। और वैसे हम सब व्यास पीठ से जके रहे कि कलयुग ने ये सत्य कहा कि राम राम कहो आराम पल मल तुम मका निरान चले जाओ और राम ही राम कर रही हो और खुरपिया घुमा रही हो एक मका पेड़ कट जा तुम इन्ना काट लिया लेकिन वह राम